ब्लैक वाइट एंड ग्रीन में आपका मेजबान इश्हाक अभी पेशावर में होने वाले खुदकश धमाके की गूंज कम भी ना हुई थी कि दहशतगर्दों ने जी एच क्यू पर हमला कर दिया जिसमें एक ब्रिगेडियर एक कर्नल समेत तकरीबन नौ फौजी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए वजी दफा रहमान मलिक ने कहा है कि दहशत गर्दी के, के वाक़ जो हो रहे हैं इनके पीछे बैरूनी ममालिक हैं और उनका इशारा जो था वो इंडिया की तरफ था और उन्होंने कहा कि उन्हें जो हथियार मिल रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के रस्ते भारत जो है वो सप्लाई कर रहा है क्योंकि जो हथियार उन्हें वहाँ से मिल रहे हैं वो सिर्फ स्टेट के पास होते हैं और उन्हें ओपन मार्केट से नहीं ख़रीदा जा सकता इससे पहले हुकूमत हमेशा ये कहती रही है कि उन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसमें दहशतगर्दों की और तालिबान की कमर जो है वह तोड़ दी गई थी और वो आखिरी सांस ले रहे थे मगर कल जो जी एच क्यू का हमला हुआ है उसके बाद ये वाजे हो रहा है कि ना उनकी कमर टूटी है और ना वो आखिरी सांस ले रहे हैं बल्कि वो एक मैसेज पूरी कौम को दे रहे हैं कि हम वेरी मच जो हैं वहाँ पर हैं और हम में इतनी ताकत है कि हम अपने खिलाफ होने वाली जंग को जी एच क्यू के दरवाज़े तक ले आ सकते हैं आज हमारा मौजू जी एच क्यू पर होने वाला ये दहशतगर्दों का हमला है और इस पर गुफगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोनुलद्दीन हैदर साहब डिफेंस एनलिस्ट हैं और नुसरत मिर्जा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मैं आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और जनरल साहब पहले आपसे जैसे जनरल साहब इससे पहले फ़ौज भी हुकूमत भी ये कहती रही कि हमने कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की और आखिरी साँसी सा, जो हैं वो ले रहे हैं और बस एक आखिरी कारवी का रिज़र्व हम उनको लगाएंगे और इन शाह गर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी मगर कल का जो वाक़ा हुआ है इसने तो पूरी कौम को हिला के रख दिया है क्योंकि दहशतगर्द जो थे और तालिबान जो थे अपनी लड़ने वाली जंग को जी एच क्यू के दरवाजे पर ले आए हैं और इसके अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है एक सीनियर ऑफिशल ब्रिगेडियर एक कर्नल से मैं तकरीबन नौ एहलकार जो हैं शहीद हुए कौन लोग हैं ये और इनको किन की पुष्प पनाही हासिल है जिन्होंने कल इतना डेरिंग जो है वो दहशत गर्दी का ये वाक़ किया है जी एच क्यू पर जी साहब बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले तीस सालों से आ, बहुत सारे लोग अपने आप को गुरुस्त बना रहे हैं हथियार जमा कर रहे हैं रिक्रूट जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं और वो कभी सेक्टरिज्म के नाम के ऊपर कभी तालिबान के नाम के ऊपर कभी किसी और नाम से मुख्तलिफ कस्म के जहाद भी जो अफगानिस्तान में हुआ कुछ कश्मीर में ये इन्वॉल्व रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी जो है इस माल में बहुत नरम रही है उसने कभी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान में अच्छी गवर्नेंस के जरिए से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए और किसी सूरत में मतवाजी तौर पर यह ग्रुप्स जो, जो फ़ौज के तरह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं या हथियार रखते हैं उन पर सख्ती से निपटा जाए और इसलिए यह मसला फैलता चला गया है अब यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है सवाद का इसमें कोई शक की बात नहीं कि सवाद जो हाथ से निकल चुका था वहाँ पर अब लोग वापस जा रहे हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगी और उम्मीद है कि छोटे बचे खुचे जो वहाँ दहशतगर्द रह गए जो हैं अभी तक तो उसके बाद वहाँ काफ़ी हद तक उनका जोर तो उसमें कोई शक की बात नहीं टूटा दूसरा जितने पाकिस्तान में ज़्यादातर तो ख़ुद कुछ धमाके हुए हैं उन सब का सिरा जाके बैतुल्ला मसूद के साउथ रुजिस्तान के, के एरिया से निकलता है ट्रेनिंग कैंप से कि वहाँ पर बच्चे को इस कस्म का इंस्पायर मोटिवेट किया जा रहा है लेकिन इसके अलावा ही पाकिस्तान में और एक दो दहशत गर्द जमात हैं जिन्होंने अपने ख़ुद कुछ बम धमाके करने वाले तैयार किए हैं और जिस तरह आप सुनते होंगे ख़ाल ख़ाल के जुनूब पंजाब का नाम लिया जाता है पंजाब का नाम लिया जाता है जहाँ से लोगों ने जाके कर जहाज में भी अफगानिस्तान के हिस्सा लिया था और जहाँ से जाके लोगों ने कश्मीर में भी हिस्सा लिया था तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अभी जाकर मिल गए हैं तहरीक तलबान पाकिस्तान के अमरीला के नीचे जिससे ये मामला फाटा से निकल पूरे पाकिस्तान में फैल गया है और बैतुल्ला मसूद के जो एक्शन पहले हुए हैं उसमें वो इस्लामाबाद तक भी पहुँचे हैं वो सरगोदय भी पहुँचे हैं वो लाहौर भी पहुँचे हैं लेकिन जो ज़्यादा केपेबलिटी पंजाब में बाकी जगहों पर कुछ होता है तो उसमें यहाँ के ग्रुप भी शामिल है। जो है, तो है। हैं जो मेरी इतलात हैं ये तो बातें कौन से ग्रुप हैं जो जनरल साहब आप कह रहे हैं कि वो सब मिल गए हैं यानी कि सिर्फ तालिबान नहीं रहे हैं तालिबान के साथ कुछ और जो ग्रुप ये भी अपने आप को तालबानी कहते हैं और बैतुल्ला के अमरीला के साथ इन इश्तराक कर अमल कर लिया था जैश ए मोहम्मद तो लश्कर जंगवी इनका भी नाम इन, आ रहा इनका है इनका भी क्या? नाम आ रहा है और नाम इनका आ रहा है और इनका नाम आ रहा है और श्रीलंका के मामले में भी, भी, भी इनका नाम आया था जिस वक़्त वो एक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल जो सर्जन जनरल थे उनको शहीद किया गया था तो उस वक्त भी इनका नाम आया था अब भी इनका नाम घूमना शुरू हो गया है जीएचक्यू के अटैक के ऊपर भी इनका नाम घूम रहा है तो ये जिस तरह आपने कहा कि कौम को हिला के रख दिया बात यह है कि जी एच क्यू इज़ जी हाँ मिलट्री लेकिन मैंने जी एच क्यू में कोई तीन मुख्तलिफ अदवार में साढ़े सात साल तक काम किया है जी एच क्यू का सिस्टम ये उसके बहुत सारे गेट्स हैं वहाँ सिक्योरिटी पहले भी होती थी अब और टाइट कर दी गई होगी अब तो मैं कई साल से दो चार साल से गया नहीं हूँ तो वहाँ किसी इंडिविजुअल दफ्तर के ऊपर पैरा नहीं होता हो सकता है चीफ के घर दफ्तर के बाहर एक खड़ा होता हो आदमी पिस्तौल लेकर लेकिन अदरवाइज़ बाकी जितने वहाँ दफ्तर हैं वहाँ छब्बीस सौ के करीब मेरे ख्याल में लोग अंदर जाते हैं जो यूनिफॉर्म में होते हैं और पाँच सात हज़ार वहाँ सिविलंस होते हैं जो मुख्तु महकमों में लोअर ग्रेड्स में काम करते हैं जी एच क्यू सिक्योरिटी में भी कुछ सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं जी एच क्यू के एडमिनिस्ट्रेसन में भी सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं तो ये जो लोग पहुँचे हैं देखिए कि जो फ़ौज ने सिस्टम बनाया था सिक्योरिटी का वो नाकामयाब नहीं हुआ इस तरह कहना चाहिए कि पहली चेक पोस्ट पर चैलेंज हो गई ये और उन्होंने जिस तरह सुबह सुबह गाड़ियाँ आ रही होती उनका ये भी एक गाड़ी है फौजी नंबर लगाया उन्होंने रोका पूछा तस्दीक के लिए तो उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया और फायरिंग कर दी तो वो चारों को वहाँ शहीद कर दिया, दिया। अलर्ट हो गए लोग लेकिन जब ये नेक्स्ट जगह पर पहुंचे तो इनमें से चार को दहशत गर्दों को जो है मा डाला गया माडा गया जब वो इस अफरा तफरी में वो गेट के अंदर घुस गए जब गेट के अंदर घुसे तो गेट के अंदर घुसते जो पहली वहां पर दफातर थे उसके अंदर घुस के इन्होंने दो बैरकों में दो दफ्तरों में लोगों को होस्टेज बना लिया अब देखिए इनमें पता चला है कि दो आदमियों के पास कम से कम खुदकोश जैकेट्स थी आई ई डीज थी अगर ये अपने आप को उड़ाते वहां पर जाके फ़ौरन उड़ा देते तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान जानी होता और अब जो जानी नुकसान हुआ है उसको बहुत लिमिट्स में रखा गया है फौज ने बहुत तहमुल के साथ प्लानिंग के साथ ये काम किया कि सारी रात कोशिश की कोई तरीका निकल आए ताकि वहां पर जो लोग होस्टेज हैं उनकी जान को नुकसान ना पहुंचे तो इस लिहाज से इसको एक प्रोफेशनली आ, एक अच्छा ऑपरेशन कहा जाएगा कामयाब ऑपरेशन कहा जाएगा कि जो शुरू में लॉस ऑफ लाइफ हो गया या जब एक खुद को श, ने अपने आप को उड़ाने की कोशिश की पूरी तरह उड़ा नहीं सका वो चल नहीं सका उससे तीन जो होस्टेज थे हमारे फौज के वो मारे गए एक दो जख्मी भी हुए थो, थोड़े लेकिन बाद में इनको फिर चार को जो है बाकियों को वहां पर मारा गया है और वहां पर एक फिर एक आदमी को जिंदगी पकड़ लिया जो इनका लीडर था हाँ जनरल साहब एक चीज मालूम करना चाहता हूँ एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर जैसे ब्रिगेडियर और कर्नल वो भी इस हमले में शहीद हुए क्या वो भी चेक पोस्ट पे मौजूद थे या उनको अंदर जैसे आपने कहा है कि ये बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए थे क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर तो आई डोंट थिंक के चेक पोस्ट पे मौजूद होंगे चेक पोस्ट पे मौजूद नहीं थे जी हाँ ये जो मैंने कहा कि जस्ट पास थी चेक पोस्ट जो पहले दो दफ्तर थे अच्छा उस पर फायरिंग हुई तो ये दोनों अफसर बाहर निकले अच्छा दोनों अफसर बाहर निकले क्या हुआ क्यों फायरिंग हो रही है और वो फायरिंग के में आ गए बिल्कुल अच्छा नुसरत मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जी एच क्यू पर जो हमला हुआ है पंजाब पुलिस ने फिफ्टी जुलाई को ये आगा कर दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ लाहौर में इस तरह के लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ये लीक आउट किया था कि जी ये तमाम जमातें मिल के जिसमें तालिबान भी शामिल है लश्कर जंगवी भी शामिल है सिपलार जो हैं वो भी शामिल हैं और सब मिल के इस तरह का प्लान कर रहे हैं और वो दाखिल होंगे यूनिफॉर्म पहने होंगे गाड़ियाँ उनके पास इस तरह की होंगी यानी कि तमाम जो मनसूबा बंदी थी वो थी और पंजाब पुलिस ने इस चीज़ को तमाम रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ भेज दिया था